22 साल से उन्होंने एक बार भी करवट नहीं बदली, लेकिन 22 सालों में वो बिस्तर पर लेटे लेटे ही 700 से ज्यादा लोगों को नौकरियां दिला चुके हैं। उनका शरीर बेकार हो चुका है, लेकिन उनकी तपस्या और जिंदगी का संघर्ष 2 दशक लंबा है। एक ही हालत में लेटे रहना उनकी मजबूरी है। उनका शरीर भले ही पूरी तरह अपाहिज है, लेकिन उनकी जिंदा दिली ने लोगों को निराशा के अंधेरों में भी उम्मीद की रोशनी दिखाई है। मेरा जो ये हादसा था मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ, और मुझे उसी से हिम्मत मिलती है कि कुछ करके करने के लिए कुछ किया जाए। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कोई दुख कोई हादसा उसका हौसला नहीं तोड़ सकता, आगे बढ़ते रहना ही उसकी फितरत है। राजेंद्र जौहर गोली लगने के कई साल बाद तक हर रोज सोचते थे कि खुद की लाचारी को कामयाबी में कैसे बदला जाए। 1992 में राजेंद्र ने फैमिली ऑफ डिसेबल्ड नाम से एक एनजीओ शुरू किया। मकसद था विकलांग और लाचार लोगों को रोजगार मुहैया कराना। जिंदा और साफ सुथरा रहने के लिए उन्हें रोज सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज वो सैकड़ों लोगों का सहारा बन चुके हैं। शायद इसीलिए मैं निराश नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन खुद मेरे फादर हैं। अगर आप निराश हैं तो सारे आपको पूरा मतलब कि चारों तरफ लोग आपके जो होंगे आपके साथ नहीं देंगे। आप रोएंगे तो आपको अकेले रोना है, अगर आप हंसेंगे तो चार आदमी और भी आपके साथ हंसेंगे। जोर साहब, मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप ऐसे ही विकलांगजनों की मदद करते रहें।